पहले किलवंजी के साथ दाने लेने हैं और चीनी का पाउडर लेना है। बेटा एक चम्मच भून लेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा आप सबको मेरी तरफ से। और बताते रहा करें कि आपका रमज़ान कैसा चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, मौसम कैसा है, कमेंट्स में बता दिया करें क्योंकि मुझे वेट रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे कमेंट करें मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो रिसेंटली बहुत से लोगों ने हमारी फैमिली को ज्वाइन किया है, तो वेलकम टू माय चैनल उन सब लोगों के लिए। और एक बात जो है आप लोग भूल जाते हैं वो ये कि आप बेल को नहीं दबाते जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, तो बेल का बटन ज़रूर दबा दिया करें। अच्छा जी, तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपनी रमज़ान की डाइट रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ। और मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ और ना ही कोई डॉक्टर हूँ, बस सिंपल सी एक मेरी रूटीन है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे तो वो आप लोगों के लिए भी वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो एज़ यू नो कि रमज़ान जो है वो एक अमेजिंग मंथ है जिसमें आप जो है स्पिरिचुअली तो अपनी बॉडी को कर रहे होते हैं, लेकिन जो सारा साल हम लोग खाते रहते हैं, अकड़ बकड़ स्नैक्स खाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते हैं और बाहर के खाने खाते हैं, तो ये वो मंथ होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को हील होने के लिए छोड़ देते हैं कि भाई अब तो ज़रा हौसला कर। अच्छा जी, तो ये मैंने एक पेपर पे सभी कुछ लिख लिया था ताकि मुझे कुछ भूल ना जाए, मैं कुछ मिस ना कर दूं, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ऐसा भी पता नहीं क्या जो पेपर पे लिख दिया है। तो सबसे पहले तो एक रोटी आपने लेनी है और दलिया, अगर आप रोटी नहीं खा सकते तो गंदम का दलिया, और एग्स आप ऑमलेट ले सकते हैं या फिर घर के बने कबाब ले सकते हैं, और मिल्क भी ले सकते हैं आप, और अगर मिल्क नहीं लेना तो आप एक पाउच योगर्ट का ले सकते हैं, और अगर योगर्ट भी नहीं लेना तो आप लस्सी ले सकते हैं। उसके बाद एक डेट लेनी है, खजूर ज़रूर, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों लेनी है। उसके बाद 7 दाने कलवंजी के और 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर या सिनेमन पाउडर लेना है, ये आपने लेना है सहरी से 1 घंटा पहले और ज़रूर लेना है, और क्यों लेना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इफ़्तार पे। इफ़्तार में हमने लेनी है 1 खजूर और कोशिश करें कि 1 ही लें, और उसके बाद हमने लेना है 1 बाउल फ्रूट सैलड या मिक्स फ्रूट्स का बाउल एक ले सकते हैं आप, या सैलड भी मिक्स कर सकते हैं साथ। और थर्ड पे जो हम शरबत वगैरह पीते हैं वो नहीं लेने, फ्रूट स्लश बनाना है, और फ्रूट स्लश कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और नंबर 4 पे आप चना चाट या दही भल्ले में से कुछ भी एक ले सकते हैं, और कोई भी फ्राइड चीज़ें जो है ना वो नहीं लेनी। अब हम डिनर में आ जाते हैं। डिनर में आपने वही 1 रोटी लेनी है, रोटी के साथ आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, उसमें जो है फ़ैट बहुत कम होता है, और उसके साथ आप घर के बने कबाब या सब्ज़ी वाला कोई भी सालन ले सकते हैं। और ग्रीन वेज सैलड का मतलब ये है कि खीरा वगैरह सैलड का 1 बाउल ज़रूर लें क्योंकि वो भी वेट लॉस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो उसके बाद वाटर जो है वो आपने लेना है इफ़्तार से सहर तक 3 लीटर पानी ज़रूर लें क्योंकि पानी भी जो है वेट लॉस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और उसके बाद रात को 11 से 12 बजे के दरमियान आप 1 कप नीम गर्म दूध का ले सकते हैं, और थोड़े से नट्स भी ले सकते हैं, नट्स में आप बादाम ले सकते हैं। तो उसके बाद आपने अपना मुंह बंद कर लेना है और अपना ब्लैंकेट लेना है और सो जाना है, और फिर सुबह सहरी के टाइम उठना है। आप चाहें तो आप इस पूरी डाइट का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए। हम शुरू करेंगे सहरी से। तो सहरी में मैं क्या लेती हूँ, सहरी में मैं लेती हूँ 1 रोटी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सहरी में ब्रेड लेते हैं, तो जो ब्रेड होती है ना वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को नहीं पूरा कर पाती, तो हमने सारा दिन भी कुछ नहीं खाना होता, तो ब्रेड तो बिल्कुल भी, अगर आप डाइट कर रहे हैं वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो ब्रेड बिल्कुल भी नहीं लें आप सहरी में। मैं कहूँगी कि 1 रोटी लेनी चाहिए, वो भी होल व्हीट फ्लोर जो होता है उसकी, और जिस आटे में मैदा मिक्स नहीं होता उस वाले आटे की 1 रोटी लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे सुबह के टाइम रोटी नहीं खाई जाती, तो वो दलिया भी ले सकते हैं। एक होता है जई का दलिया, आप वो भी ले सकते हैं, और अगर वो आपको पसंद नहीं है तो गंदम का दलिया भी आप ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। शहर में जब आपने रोटी खानी है तो उसके साथ आप क्या ले सकते हैं, आप कोई भी वेजिटेबल्स जो आपने सालन वगैरह बनाया होता है आप वो ले सकते हैं, जिस तरह के बैंगन हो गए, कद्दू वगैरह हो गए। तो सब्ज़ियाँ भी बेसिकली आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो 2 अंडे ले सकते हैं, अगर किसी को अंडे से एलर्जी है तो वो सब्ज़ी वगैरह भी यूज़ कर सकता है। मैं सुबह सहरी में मोस्टली यही करती हूँ कि एक रोटी बनाती हूँ और साथ ऑमलेट बनाती हूँ, ये उससे सारा दिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी और एक तरह की प्रॉपर डाइट भी हो जाएगी, और आपको जो फाइबर और जो प्रोटीन मिलना है वो भी आपको इन दोनों चीज़ों से मिलता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों की, जैसा कि दही हो गया, दूध हो गया, चाय हो गई। तो दूध पत्ती मोस्टली लोग सुबह सहर के टाइम पीते हैं। तो दूध पत्ती जो होती है ना, वो एक तो आपका वेट बहुत जल्दी से बढ़ाती है, और दूसरा ये कि दूध पत्ती की जगह पे आप कोशिश करें कि अगर आपको दूध नहीं पसंद तो आप उसकी जगह पे दही ले सकते हैं। एक बाउल दही का आप ले लें, क्योंकि दही में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं और वो सारा दिन जो आपको प्यास लगेगी वो नहीं लगने देंगे। तो आप सिर्फ 2 खजूरें ले लें, क्योंकि खजूरें जो होती हैं उनमें पोटेशियम पाया जाता है। एक तो ये होता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देगी, खजूर पोटेशियम उसमें पाया जाता है, तो पोटेशियम जो होता है वो पानी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होने देता। अब मैं आपके साथ अपने कुछ देसी टोटके शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि सुबह 7 दाने कलवंजी के, जब आप सहरी करनी है तो उसे 1 घंटा पहले 7 दाने कलवंजी के ज़रूर ले लेने हैं, और 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर लेके तो आपने वो थोड़ा सा मुंह में रख लेना है। तो मतलब मुंह में रख नहीं लेना, पानी के साथ उसे खा पी जाना है। तो एक तो ये कि जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू होता है, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, सुबह कुछ खाया नहीं जाता, वोमिट होने लग जाती है, तो उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये दोनों चीज़ें आपका वेट लॉस करने में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। उसके बाद ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सहर के टाइम जो है ना सही ठीक अच्छा खासा पानी जो है ना अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो आपने वो ऊँट वाला काम नहीं करना, जिस तरह वो थोड़ी थोड़ी चुस्कियाँ लेता रहता है और सारा दिन पानी अपने अंदर कंज्यूम करता रहता है। कोशिश करें कि 1 गिलास पानी का लें और उसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करें, और अगर आपको ज़रा ज़्यादा तुर्श लगे तो आप उसके अंदर थोड़ा सा जो है हनी डाल लें। तो जब आपने नियत करनी है 5 मिनट पहले आपने जो है वो पानी का गिलास 1 गिलास पी लेना है। इससे ये होगा कि लेमन में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पानी की कमी जो आपकी बॉडी में हो जाती है वो आपको नहीं होगी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इफ्तार की। तो इफ्तार में मैं क्या करती हूँ, इफ्तार में सबसे पहले मैं एक लेती हूँ खजूर, और दूसरा ये कि इफ्तार में बहुत से लोग पानी के गिलास 2, 3, 4 एक साथ पी जाते हैं, तो वो नहीं पीने चाहिए। आप खजूर लें, आपको पानी पीना है तो आप 1 गिलास पानी का ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप 1 कप जो है फ्रूट सैलेड बना सकते, वो वाला फ्रूट लें जिनके ऊपर छिलके होते हैं। तो छिलकों वाले फ्रूट में फाइबर ज़्यादा होता है, जैसा कि हम लोग शरबत बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा हो गया, और ये दूसरे टैंग शैंग जो होते हैं इनमें शुगर का यूज़ होता है। तो अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। कोशिश करें कि जो भी मौसमी फल हैं, जैसा कि पीच वगैरह होता है, तो पीच का आप वो थोड़ा सी उसकी स्लश बना सकते हैं। स्लश इस तरह से, वो भी बता देती हूँ कैसे बनेगी। आप पानी में जो है पानी लें और उसके अंदर पीच को डालें और उसको ग्राइंड कर लें, और थोड़ा सा उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डालें। उसके बाद हम आ जाते हैं रात के खाने की तरफ। तो रात के खाने में आप 1 रोटी ले सकते हैं, वो भी होल व्हीट फ्लोर जो होता है उसकी, तो 1 वो रोटी ले सकते हैं। और अगर रोटी नहीं लेना चाह रहे तो आप 1 कप राइस ले सकते हैं, और राइस भी वाइट राइस बॉयल जो होते हैं वाइट राइस वो ले सकते हैं। तो उसके साथ आप अगर चिकन वगैरह लेना चाहते हैं तो चिकन आप कौन सा ले सकते हैं, ब्रेस्ट पीस जो होता है ना उसमें फ़ैट सबसे कम होता है, तो ब्रेस्ट पीस आप ले सकते हैं। आपके खाने में सब्ज़ी वगैरह का इस्तेमाल, तो जैसा कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो सैलड जो होता है रात के खाने के साथ ज़रूर लेना चाहिए, 1 बाउल सैलड। और वेट लॉस के लिए तो सैलड आपने भी सुना होगा कि बहुत अच्छा होता है। उसके बाद रात को 10 से 11 बजे के दरमियान आप एक गिलास नीम गर्म दूध का ले सकते हैं और साथ आप कुछ नट्स ले सकते हैं, फिर वो जो स्नैक्स वगैरह की तरफ ध्यान जाता है वो नहीं जाएगा। अच्छा जी, और मीट में हम अफ्तार में और रात के खाने में कबाब ले सकते हैं, घर के बने हुए कबाब। और पानी का यूज़ आपने इफ्तार से सहर के दरमियान ज़रूर करना है। ऑलमोस्ट 3 लीटर के करीब तो पानी होना ही चाहिए। तो पानी जो है वो भी आपके वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एक्सरसाइज जो है अफ्तार से कुछ टाइम पहले ज़रूर एक्सरसाइज करें। अब आप कहेंगे तो सानू कीड़े कम्मा जो पहुँच देंगे अफ्तार से पहले घंटा जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है तो, वरना तो ज़्यादा लोग रमज़ान में या तो सोते हैं या इबादत करते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है एक्सरसाइज के लिए निकालें, क्योंकि उस टाइम जो होता है ना आपके स्टमक के पास कुछ नहीं होता, बेचारा खाली हाथ बैठा होता है। तो फिर उसने जो फैट आपकी बॉडी में जो फैट होती है ना उसी को लेना होता है और उसी को बर्न करना होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा इस रूटीन को फॉलो कर लेना बस, और फिर उसके बाद रमज़ान ख़त्म होने पर मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और इस वीडियो के नीचे आपने ना लाइन लगा देनी है कमेंट कर करके। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो ये तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा और लास्ट पर भी मिल जाएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, रब रखा।